दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट मलाई पनीर। और मलाई पनीर बनाने के लिए हमें लगेगा फ्रेश क्रीम 150 ग्राम पनीर, और ये आपका जीरा 1 स्पून, और 1 स्पून हल्दी, और 2 स्पून हम लेंगे गरम मसाला, 2 इलायची, और हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 से 2 स्पून, 2 ओनियन की पेस्ट बना लेंगे और 1 टमाटर की पेस्ट, और गैस जलाकर उस पर पैन रख लेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने देंगे, गरम ऑयल में हम डालेंगे जीरा, जीरा को थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे, फिर डालेंगे हम 2 इलायची इसमें। इलायची के बाद हम इसमें अपने प्याज की पेस्ट यूज़ करेंगे, पेस्ट डाल लेंगे, इसको मिला लेंगे अच्छे से। 30 से 40 सेकेंड फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून यूज़ करेंगे, इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर की पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मिलाते रहेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे मसाले और हल्दी, अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले। आप इसमें स्वाद अनुसार मिर्च भी डाल लें जितना आपको लगे। इसे भी मिलाएं अच्छे से मसालों के साथ, स्वाद अनुसार नमक 2 स्पून काफ़ी होगा। अब हम यूज़ करेंगे 5 से 6 चम्मच फ्रेश क्रीम, और इसी क्रीम की वजह से इसमें टेस्ट एकदम बेहतरीन आता है, इसीलिए इसको मलाई पनीर कहते हैं। हम मिला लेंगे इसे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करके इसे पकने देंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें अपनी जो रॉ पनीर है उसे डाल लेंगे, और उसे इस मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इन मसालों के साथ अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसे चलाएंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं सब कुछ कितने अच्छे तरीके से पकने लगा है, इसमें कलर भी आ गया है और पनीर भी अब काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए तकरीबन 1 कप दूध यूज़ करेंगे। इन्हें हल्के हाथ से मिक्स करते हुए पकाएंगे। और फिर इसे ढक देंगे, और लास्ट के 5 से 6 मिनट तक हम इसे ढककर ही पकाएंगे। ढक्कन हटा लेंगे। अब तकरीबन हमारा मलाई पनीर तैयार है, सारा कुछ पक गया है अच्छे से, ग्रेवी पनीर सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे इसे। आपके सामने है मलाई पनीर, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे बटर रोटी, पूरी या पराठे के साथ खाएं, आप इसे घर में भी ट्राई करें। और हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ सजा लेते हैं, जिससे ये देखने में भी उतना ही बेहतरीन हो जाता है जितना कि ये खाने में। धन्यवाद।